साथ ना एक स्टोरी है, वो जहाँ भी ट्रैवल करती है ना वहाँ गाड़ी या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अटक जाता है। एंड नाउ अगेन वी आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर। धक्का धक्का धक्का। हाय गाइस, अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन लद्दाख। तो हम अभी अपने लद्दाख व्यू होमस्टे में ही हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं एंड आज एक नए एडवेंचर के लिए बैग्स पैक्ड है, सब सेट है। सो टुडे वी आर लीविंग फॉर द मच अवेटेड सो मुरीरी एंड फिलहाल मैं हूँ हमारे होमस्टे के टेरेस पे, जस्ट सोकिंग इन सम फ्रेश एयर एंड इन्जॉइंग दैट अमेजिंग व्यू ऑफ द लेह सिटी दैट वी कैन गेट फ्रॉम योर द व्यू ऑफ द लेह पैलेस ओवर देयर। मॉर्निंग्स ट्रूली आर सो ब्यूटिफुल ओवर हियर। चलो लेट अस गो टू सो मुरीरी। सो हम बस चुमथांग से थोड़ा सा पहले रुके हैं फॉर ब्रेकफास्ट एंड फाउंड बचपन का प्यार एट सम 10,000 फीट। चुमथांग हॉट स्प्रिंग देखने के लिए। टनना दुष्टों के भी रूप बदलते हैं। सो मुरीरी हम पहुंच गए फाइनली एक बहुत लंबी लाइन के बाद। दिस इज the cottage room, but that's not the highlight. Let me show you the highlight. हम पहुंच गए हैं सोमरीरी एंड इट्स चिल्ड बट सामने का व्यू, ओह माय गॉड। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर एंड ऑल का बंदोबस्त है थैंकफुली एंड बहुत बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे है लेक, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड लेक्स इन इंडिया। राइट देयर, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट बट आई विल शॉर्टली शो यू, दैट्स सो मुरीरी एंड ओह माय गॉड इट इज़ एग्जैक्टली लाइक पीपल टेल, लाइक अ पेंटिंग। यू नो मैंने यहाँ आने से पहले यहाँ का एक भी वीडियो नहीं देखा था बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस इट इन फ्रंट ऑफ माई आईज एंड वाओ। एनीवे हम लोग अभी पहुँचे हैं एक लंबी सी ड्राइव करके, सुबह 7 बजे के निकले हुए हैं एंड कुछ 3:30 बज रहे हैं अभी, बहुत भूख लग रही है। सो वील फिगर आउट समवेयर टू हैव लंच। झूले फाइनली वी आर हैविंग मोमोज ओवर हियर, देखते हैं कैसे है। कल तो हमें सैटिस्फैक्ट्री मोमोज नहीं मिले। आई डोंट हैव एनी होप लेफ्ट। बारिश हो रही है। नहीं देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग मोमोज अच्छे नहीं मिल रहे हैं, इट्स पेनिंग। नाइस। कल वाले से बेटर या कैसे? कल से बेटर फॉर श्योर। आई जेन्युइनली लाइक द फीलिंग एंड इवन द चटनी, इट्स वेरी वेरी स्पाइसी एंड आई लाइक इट दैट वे। तो बस 5 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं व्यू पॉइंट पे वेयर यू कैन सी द इंटायर सो मुरीरी लेक एंड द व्यू इज सो गुड ओवर हियर। आज थोड़ा सा स्काई ओवरकास्ट है क्योंकि बारिश हुई थी। आप सो मुरीरी कितने बार आए हैं? मैं आए तो मैं 3 बार। 3 बार आपको कैसी लगती है जगह? ये बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया। एंड अब हम लोग पॉइंट 2 पर है, तो लेक के बिल्कुल साइड पे है एंड दिस प्लेस इज सो मैजिकल। आई रियली वॉन्ट टू कम हियर अगेन इन द मॉर्निंग एंड बहुत देर तक तो हम नहीं रह सकते क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है। मेरे साथ रेंजन भैया है, उन्होंने बहुत अच्छे से अभी
एकदम कैमरा के साथ मेरी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की है इस प्लेस में. थैंक यू सो मच. एंड अब चलते हैं वापस होम से, बस 5 मिनट की दूरी पे है. कुछ गर्मा गर्म खाते हैं, गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं. हाँ because bhujia is mandatory. Good guys. Yeah, I can't ये देखिए ये इंसान है, ये सब कुछ ऐसे खाती है. ऐसे खाती है मतलब क्या खराब क्या है इसमें? इसको प्लेट पूरी भरी हुई ऐसे चाहिए होती है. She wants 7 colors on her plate. We have a fun fact also कि it is said that जितनी प्लेट जितनी कलरफुल होगी ना उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा. ये मेरे तो काफ़ी कलरफुल. ये तो खुद ही कलरफुल है इतनी. घर जैसा खाना. And good morning from another day in Somuriri. So right there is the lake. Ekdam tent se nikalte, cottage se nikalte, you can see lake. Oh my god, the views are so good. And abhi subah ke 7 baj rahe hain. Hamara plan kuch aisa hai ki we'll just leave for Puga, jo ki bilkul pass mein ek village hai. Wahan pe bahut sundar views hai. We want to do something in particular in Puga, which you'll shortly see. And uske baad jayenge Sokar, which is another lake. And wo thodi offbeat lake hai. Wahan pe bahut log nahi jaate hain. Subah subah garam garam aloo puri mil jaye aur side mein wo lake ka view. Aur kya chahiye? ओके तो सोमुरीरी से पूगा तक के रास्ते में हम रुके हैं हॉट स्प्रिंग्स पर. इसमें सल्फर है एंड ये भैया ने बताया कि जोड़ों के दर्द के लिए काफ़ी सही रहता है. तो हम जो मछली वाला डब्बा था हमारा जो अब ख़त्म हो चुका है उस डब्बे में पानी भर रहे हैं. देन वील राइट देयर तो भरते हैं पानी लेकर चलेंगे घर पर. अरे यार मैं आ जाऊँगी. नहीं नहीं आप पानी में डूब जाएंगे. मैं डूब जाऊंगी पक्का. डूबेगा आप भैया ऐसे मत बोलो ना, मुझे कॉन्फिडेंस तो है. हाँ चलो फिर आप ट्राई कर लो. कैसी लग रही है जगह? बहुत सुंदर है ना. यहाँ बैठे रह सकते हो कितने लंबे टाइम तक. So we are near the hot springs. Puga village जाते के रास्ते में hot springs आते हैं. And look at all these. Look at how the vegetation is over here. Oh my God, it's out of the world. It's so beautiful. मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा. And right behind me over there, I'm not sure if it's capturing it, but वहाँ पे है hot springs. And बोलते हैं कि उसके पानी में काफ़ी ज़्यादा minerals वगैरह होते हैं. सो इंस्टाग्राम पे एक रील बहुत वायरल होते हुए दिखी थी पूगा की. एंड दैट्स हाउ ऑनेस्टली आई एंड मोस्ट ऑफ अस डिस्कवर्ड दिस प्लेस. सो ऐसे यहाँ पे बम्प्स बने हुए हैं एंड आगे जाके हॉट स्प्रिंग. हम शायद हॉट स्प्रिंग तक नहीं जा पाएंगे बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा पानी है. सो कुछ लोकलाइज थे जिन्होंने बोला कि आप जो पहले ही पानी है वहाँ से ही भर लो बिकॉज आगे जाना इज़ नॉट पॉसिबल. सो कुछ 1-1.5 घंटे की राइड के बाद हम पहुंच गए हैं इस लेक पे कॉल्ड सोकर. सो बेसिकली मींस लेक, तो वैसे ही सो मुरीरी पैंगोंग सो एंड सोकर. ये एक सॉल्ट वाटर लेक है. यहाँ पे सॉल्ट की क्वांटिटी कुछ बहुत ही ज़्यादा है विच इज़ वाई यू कैन सी अ लॉट ऑफ शेड्स ऑफ वाइट अलॉन्ग विद ब्लू. टॉकिंग ऑफ ब्लू, सामने ब्लू स्काई है. आई कैन सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स कम्प्लीटली. इट फील्स लाइक बैरन लैंड. एंड आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते क्योंकि थोड़ी कीचड़ है एटलीस्ट इस टाइम पे, बट नज़ारे बहुत सुंदर है. माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन देख सकती हूँ मैं लेक पे. एंड वेरी 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 फ्यू वेजिटेशन फॉर ऑब्वियस रीजंस. एंड हाँ बस अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. और अच्छी बात यह है कि ये पूगा से लेक के रास्ते में ही आता है. सो ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो मेक अ स्टॉप ओवर हियर. तो अब चलते हैं हम वापस ले.
कुछ जगह हमारी ले में बच गई हैं, तो आगे हम वो कवर करेंगे। What just happened? I'll tell you. So विशा के साथ में एक स्टोरी है। आई नो कि वो जहाँ भी ट्रैवल करती है ना, वहाँ गाड़ी या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अटक जाता है। और अब भी क्या हुआ? और अब हमारी ऑलरेडी एक बार हो चुका है बैंगलोर में, एंड नाउ अगेन वी आर इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। जाएंगे आज, आज हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ एक और स्टोरी है। कितना ही फंस जाओ निकल जाते हैं, क्योंकि एंड में तो सब ठीक हो ही जाता है। हो जाता है। धक्का धक्का धक्का। और अब हम जा रहे हैं, कार्तिक बताएगा आगे, मेरी सांस फूल रही है। तो कोई नहीं है, और हमें जाना है ऊपर। Come on guys, how's the Josh? Hi sir. No. Okay, so we have reached Leh and we are at Rancho School, famously called Rancho School, जहाँ पे थ्री इडियट्स की अपने वो स्कूल वाला फुटेज देखा होगा, वहाँ जहाँ पे शूट किया गया है। Right there is the school. It looks so what do you call that? Royal. The way it's all structured and made looks so nice. And over there is that idiotic wall, as we call it. जहाँ पे थ्री इडियट्स का फाइनल सीन, ऑलमोस्ट फाइनल सीन शूट किया गया था। एंड या दैट्स द कैंपस। ओह माय गॉड, लुक्स सो प्रिटी। एंड नॉट टू फॉरगेट, टुडे वी माइट फाइनली गेट गुड मोमोज इन द ले मार्केट, क्योंकि हम ऐसे रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं जो सब ने रेकमेंड किया है। इट्स कॉल्ड द टिबेटियन किचन एंड आई कांट वेट टू हेड देयर एंड ईट एज मेनी डिशेज एज पॉसिबल। So literally सबने the Tibetan Kitchen recommend किया था वो मोमोज, तो try करते हैं if it's worth the hype. Finally, and next we have veg वागलेब। वो एक fried bread है with stuffing of vegetables and cheese, तो ये भी यहाँ की dish थी, local dish. So we thought let's try that out as well. How is it? Seems like fried momos, but it's good. Hi guys and welcome to a new day in Leh Ladakh. तो कल का adventure हमने सोकर में खत्म किया था and वहाँ से हम वापस आए थे Leh कल and अभी it's 5:30 in the morning and हमारा plan है to go to this monastery called Thikse Monastery, जहाँ पे 6 बजे prayers होती है. I hope we make it on time. एंड उसके बाद हम जाएंगे एक विलेज, लमायरू विलेज, जहाँ पे मूनलैंड जैसा मून जैसा सरफेस देखने को मिलता है, उसको मूनलैंड भी बोलते हैं. तो अगेन वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. एंड चलो चलते हैं जल्दी से मोनास्ट्री एंड लेट्स सी इफ वी आर एबल टू विटनेस द प्रेयर्स. What just happened? I'm not happy. Very disappointed. So, यहाँ पे लिखा है कि the monastery will be closed on 5th and 6th of September. आज है 5th of September and कल ही हमारी flight है, कल है 6th of September. So, for some reason the monastery is closed today. बहुत ज़्यादा मन था कि हम अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उठे थे सिर्फ प्रेयर्स अटेंड करने के लिए, विटनेस करने के लिए, बिकॉज यू सी अ लॉट ऑफ मॉन्क्स रिसाइटिंग प्रेयर्स एट दिस टाइम एंड आई एम श्योर इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. तो हम तो नहीं कर पा रहे हैं, बट जब आप यहाँ पे हो, ट्राई इफ़ यू कैन डू दैट एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स हाउ योर एक्सपीरियंस वॉज. नेक्स्ट टाइम आके ज़रूर अटेंड करूँगी मैं. Oh, my God.
Julie. What's your name, sorry? Kunchuk Tampen. Kunchuk Tampen. Do you study? Yes. Huh? What are you doing here today? Puja. Puja? Okay. Rehte kahan? Where do you live? Yahi pe. Wo acha lagta hai aapke? Khelte bhi ho? Kya khelte ho? Cricket, football, sab khelte ho. Wow. I have with me Tashi ji and mujhe hamesha se ye curiosity hoti hai ye janne ki कि आप दिल्ली में भी रह चुके हैं, आप यहाँ भी एज अ मॉन्क रहते हैं, तो आपको उस लाइफ में क्या डिफरेंस महसूस होता है? अच्छा, तो हमें जो यहाँ पे बैठने के बाद जो जब हम दिल्ली और बड़े बड़े शहर में जो विज़िट करते हैं तो हमें ये फील होता है कि एकदम बहुत मतलब बिजी जैसा, तो यहाँ जब हम बैठते तो बड़ी शांति के साथ मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर में बैठते हैं कि आपके रहन सहन में कोई रूल्स भी होते हैं क्या, फ़ोन का यूज़ करना और कुछ भी ऐसा? हाँ जी जी, इसमें एक्चुअली यहाँ पे जो मॉनेस्ट्री में जब रहते हैं तो हमें फ़ोन यूज़ करना नहीं होता है, नहीं होता तो है। आजकल जो ये टेक्नोलॉजी के जो इस युग में जो इसमें फ़ोन के द्वारा हमें कुछ टीचिंग्स भी होता है, आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं मतलब हाँ। कुछ पूजा भी होता है, पूजा पाठ और जो हमें रूट गुरु जी उनका जो बड़े लामाओं का जो मतलब कभी प्रवचन होता है तो उसको देखने के लिए यूज़ तो करना पड़ता है, लेकिन अपने रूम में और अलग से बैठ के हम कभी कभार यूज़ करते हैं। ओके, तो ठीक से मोनास्ट्री में तो हमें प्रेस विटनेस करने को नहीं मिली, बट किस्मत काफ़ी अच्छी चल रही है। वी आर हियर एट द लामायुरु मोनास्ट्री एंड यहाँ पे भी विटनेस प्रेयर्स, बहुत बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली वहाँ बैठ के। अभी हम चलते हैं मूनलैंड की तरफ। हमारी कोशिश है अभी इसके ऊपर चढ़ने की, सो दैट वी कैन गेट बेटर। हाँ, गेट तो सकते हैं। चांद पे चढ़ना इतना आसान था क्या? तुमने कसमें वादे तो करके आ जाते हो। I highly recommend visiting Lamayuru not just for that monastery but also to witness all these surfaces on the mountains. रास्ते में जगह आई है जिसको बोलते हैं मूनलैंड एंड एज द नेम सजेस्ट यहाँ का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल मून की तरह आपको दिखेगा एंड यू कैन एक्चुअली जस्ट आप थोड़ा ऊपर चढ़ सकते हो, यू कैन लुक एट दैट, इट्स सो डिफरेंट। हमें पता चला है कि कुछ टाइम पहले ये पूरा पानी में कवर था एंड फिर वो सारा पानी ख़त्म हो जाने के बाद वी कैन एक्चुअली सी what it's like, it's so different, never really seen a structure like this. हम नहीं करते यहाँ, मंसूरा दीदी हमें शॉपिंग करवा रही है, असली पश्मीना सिलेक्शन हो रहा है। वैसे ये अच्छा लग रहा है ना, सटल सा कलर, ये नेचुरल है, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये नेचुरल कलर है, सब आ जाएगा। कौन सा बेटर लग रहा है? ये अबे आप बताइए, रियल पश्मीना की पहचान कैसे होती है? ये है ना, ये रियल पश्मीना होता है, ये नेचुरल कलर, कलर से ही ये दो चीजों से पहचाना जाता है, एक तो ये वेटलेस होता है, दूसरा अगर इसको जलाएंगे ये सेम स्मेल जो हेयर का आता है अपना। ओके, ये वाला रिंग से भी पास थ्रू हो जाता है। अच्छा। हम रिंग से भी ये पास थ्रू। कल सुबह सुबह हमारी फ्लाइट है, वी आर बैक एट द प्रॉपर्टी एंड मैं टेरेस पे बैठी हूँ, सुंदर से व्यूज देख रही हूँ यहाँ से। सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है बट आई लाइक द चेंजिंग कलर्स राइट नाउ। पता है लद्दाख आने से पहले मुझे किसी ने बोला था कि यहाँ पे हाईएस्ट मोटरेबल पासेस, हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स, डबल हम्प्ड कैमल्स और बेहद खूबसूरती के साथ साथ एक चीज और है अनुभव करने के लिए, और वो है यहाँ के लोगों के साथ वक्त बिताना। और वाकई जितना हमने वक्त बिताया उतना ही इस बात में हकीकत को महसूस किया। हेलो, हाय, अगर हम दीदी टुपा गा रही है, हम दीदी लाइक करिए और वीडियो को आपने क्या बोला अभी, शेयर और वीडियो को लाइक करना। बाय।
फिर चाहे वो हमारी गाड़ी का बीच सड़क खराब होके मदद लेना हो या हमारे होम स्टे वाले भैया का आउट ऑफ द वे जाना जस्ट टू मेक श्योर दैट वी डोंट मिस अ प्लेस आउट. थैंक यू, बाय. वेलकम, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय. फिर आएंगे बिल्कुल. राजा और मॉन्क्स के साथ कॉन्वर्सेशन करना हो या छोटे छोटे बच्चों को भी यूट्यूब एल्गोरिथम के बारे में पता होना. जुले जुले सच में लद्दाख हैज इट ऑल. And yeah, that's it. I hope you enjoyed watching the entire Ladakh series. This video, do give it a like, subscribe to my channel, and I will see you very soon from another destination. Bye. Like, share, subscribe.